कल ईद, आज का दूसरा दिन पास ईद। तो सोचा चलो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहेदान जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहु, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह से और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, अपने अमल में रखे। आमीन 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 आमीन। कैसे लग रहे हम लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम लोग एक्चुअली बाहर जा रहे हैं, तो बाहर ही मिलेंगे। लंग में चप्पल बाहर है, पूजा बाहर है ना। और लंग चाबी टिश्यू पेपर लो, दानू पर्स लेना पड़ेगा ना, वो पावती उसमें। सबको आना है बाहर, सबको आना है, किस किस को आना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो दरवाजा तुम खींच लो। चलो चलो चलो। लल्ला भगवत, लल्ला को सबसे पहले आने का रहता है। लिप तो नीचे है, बहुत अच्छा लग रहा है ना दादू, क्योंकि मैं तैयार हो गई हूँ। और हाँ, मैंने नए है ऑक्सीडाइज चूड़िया पहनी है, पहली बार पहनी है वाला ही। अच्छी लग रही है ना दादू, देखो अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे। चलो आज कुछ तभी और दया करना चाहिए। क्यों वहां जाने को? चलो लिख भी आ गई। चलो आज और हाँ, कल ना मेरा मेहंदी निकालने का रह गया। आजकल भी निकालू क्या दानू? आजकल भी निकालू कि मेरा मेहंदी निकालने का बहुत मन है। और मिल्की क्यों फोन नहीं करेंगे ना? आती तो सोच नहीं, पर नाश्ता करके बाद बैठेंगे ना। नाश्ता भी ना मेहंदी की कौन है, लेकिन मेरे पास तीन कौन है लेकिन वो पुरानी है। तो मैं सोचती हूँ कि नए कौन लेके आऊँ ना, क्योंकि इतना किसी और को अपन घर पे बुला रहे हैं निकालने के लिए, तो कौन अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि कौन दूसरे ले लूँ, तो देखती हूँ अभी। ठीक है दानो, अभी देखने के, ठीक है अभी देखेंगे। बारिश चालू हुई है और बाहर इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। और मेरे साथ है पिचुक। चनी, दानिश जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। मेरी नमाज हो गई और मैं अभी यहाँ खिड़की पे आई। और ये देखो सब सूख रहा है, जो टॉवेल निकाले तो मेरे ख्याल से कि बारिश चालू है ना हवा के साथ, हवा से टॉवेल बाहर की तरफ जाता है तो फिर नीचे की तरफ ना हिला हो जाता है। खाना वगैरह सब कुछ हो गया है हमारा। चनी, एक्चुअली मुझे नीचे जाना था, मैंने सोचा थोड़ा वॉक करूंगी, लेकिन बारिश चालू हुई है, आधा एक घंटा हो गया बारिश चालू हुई है, इसके लिए नीचे का जाना कैंसल। मगरिब हो गई है और मैंने रखी चाय, अभी हम क्या पियेंगे? चाय ना दानू जी? हाँ, दानिया गैस की चाय पीएंगे माशाल्लाह, अदरक वाली, और उसके अंदर रोटी चा, कड़ी पत्ता और न जाने क्या क्या। तो बड़ी कप हमारी आएगी भर के, अभी चाय पीएंगे, उसके बाद में फिर हम नीचे जाएंगे बच्चे लोग को खाना देने को। बारिश बहुत जोरदार लगी है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। बड़ा बना दानिया, कितने भी बारिश हम लोग खड़ा नहीं करते बच्चे लोग के ना, बेचारे हमारे भरोसे पे रहते हो। क्या दानिया आएंगी कुछ खाने को लाएंगी, दानिया आएंगी कुछ खाने को लाएंगी, उसका भरोसा कैसा तोड़ने का? उसके लिए जाना पड़ेगा। उसका चिकन तैयार है और हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आए गए। चाय हो रही है, हुई नहीं अभी तक। और एक बात भी बोलनी है, बोलू क्या? बोल देती हूँ। बात ऐसी है ना कि छुट्टी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है बोले कि नहीं बोले। बोलो बोलो। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, आप लोगों को याद है इससे पहले भी, मतलब एक साल पहले की बात है,
कि छोटी पेट से थी, मैंने कहा भी कि छोटी पेट से है, लेकिन उसके बाद फिर हमने कोई अपडेट नहीं किया क्योंकि छोटी ने 5 बच्चे दिए और वो 5 में से एक भी जिंदा नहीं था, सबके सब गए बच्चे थे। तो इसके लिए फिर उसके बाद कुछ अपडेट देने का मूड ही नहीं रहा और वो सही भी नहीं लगा। फिर उसके बाद एक साल बाद, एक डेढ़ साल बाद ना छोटी फिर से पेट से रह गई। तो फिर हम नहीं बोलने वाले थे, लेकिन सब दिख रहा था, उसका पेट दिख रहा सब, तो हमने सोचा चलो जान दो छोड़ो, वैसे भी अल्लाह की मर्जी से जो भी है वो, तो उस हिसाब से हमने सोचा चलो बोल देते। हमने बोला और छोटी का पेट भी अच्छा खासा था माशाल्लाह। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, वो ऐसा होता है क्या पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज कुछ भी कमेंट लिखो या कुछ भी करो, लेकिन थोड़ी सी एक मालूमात दो हमें कि छोटी 8-10 दिन हो गए ना, 8-10 दिन हो गए छोटी की डिलीवरी हो गई, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा दिया वो बाहर, क्योंकि वो बाहर आया तो मरेला बाहर निकला वो, तो इसके लिए कुछ भी मतलब ना अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे करे क्या करे, तो वो बच्चा एक ही निकला है उसका। तो बिल्ली का ऐसा होता है क्या कि सिर्फ एक बच्चा निकलता है, क्योंकि छोटी क्या अभी 2 बार हो चुके इससे पहले, उसे दोनों टाइम 5 बच्चे दिए जिसमें से एक लल्ला है, लेकिन दूसरी बार को कोई भी नहीं है, और अभी तीसरी बार का था तो सिर्फ एक बच्चा हुआ, जबकि पेट तो उसका इतना सारा है, और अभी भी बच्चा होने के बाद भी उसका पेट ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी उसका पेट दिख रहा है, तो क्या करे कैसा करे, मतलब और बच्चे है क्या, अगर है तो फिर इतने दिन की जा रहे, इतने दिन नहीं जाने चाहिए ना, फिर तुरंत वो डिलीवरी जब भी हुई डिलीवरी जो पहले बच्चे की हो गई उसको आज 10-12 दिन हो गए और उसका पेट अभी भी हम लोग को फुगेला दिखता है। ऐसा मतलब लगता है कि जैसा, अभी भी उसके अंदर बच्चे हैं। तो अभी क्या उसका मम्मी क्या समझने का, उसमें बच्चे है नहीं है, और अगर है तो फिर क्या मर गए है कैसा क्या, जरा किसी को इस बारे में कुछ मालूम होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दे प्लीज, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात क्या पता है क्या, कि छोटी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी खासी नॉर्मल है, खेल रही है, बूढ़ी मार रही है, सब कुछ कर रही है, और हम लोग ना बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार तो भी छोटी के बच्चे आएंगे, और हम खुद चाहते हैं कि उसके बच्चे आए, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब बच्चा आया तो ऐसा मरा हुआ आया, पता नहीं क्यों। इसके लिए मतलब इतने दिन हमने लिए कि क्या करे, अपडेट दे कि नहीं दे, लेकिन बहुत से लोग इंतजार भी करते हैं कि देनी चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा जो है वो बता देते, लेकिन अभी बच्चा है कि नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका पेट तो है, तो प्लीज किसी को पता हो ना तो प्लीज थोड़ी सी मालूमत दो ना, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि हमें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो छोटी एकदम परफेक्ट है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका खेलती है, मस्ती करती है, बिल्कुल पहले जैसी, खाना खाती है, सोती है, सब बराबर, उसका रूटीन बराबर पहले ही जैसा ही है। लेकिन पेट जरा फुगेला अभी भी दिख रहा है, इसके लिए जरा प्रॉब्लम है कि पेट में बच्चे है कि नहीं है, या फिर बच्चा मतलब एक ही होता है क्या बिल्ली को, क्योंकि हमें ये भी मालूमत नहीं है, तो इसलिए हम ना थोड़ा सा टेंशन में, मतलब उस चक्कर में भी है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो सच में हम दिलों जान से चाहते थे, हमने बहुत दुआ की छोटी का ध्यान रखा हर चीज की, छोटी के बच्चे आए हम चाहते है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहां क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। बिल्कुल, फिर तब ये आ गई है चाय माशाल्लाह, और ये दाने आई मेरे लिए कड़क पाव लेके, मस्त है उसके, तो प्यारे आइए चाय पीने चाय थोड़ा नीचे कर दो, मेरे पाव दिखेंगे ना उनको, मैं बस हो गया ने? ये चाय और ये कड़क पाव, एक बार एक बार कैमरा ऐसे दानिश ना कटिंग करके ना मस्त गरम करते एकदम क्रिस्पी, एक बार झुका के बताना जरा मेरे पाव, बताना तो चलो अभी अल्लाह हाफिज करते, अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखेगा, कड़क पाव हमें दुआ में याद रखेगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और खूब 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 याद करो, तारीफ करो, अल्लाह हाफिज़।